बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? जैसा कि आप सब जानते हैं जी कि नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का फ्लड आया हुआ है। बारिशें तो रुक ही नहीं रही और लैंडस्लाइडिंग हो रही है। मतलब क्या क्या कुछ हो रहा है, मैं जब वीडियोज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी हुई। इवन एक तो मैंने वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की थी जिसमें वो कलाम का बड़ा फेमस होटल है जी, हनीमून होटल कलाम, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया 10 करोड़ का था, 30 करोड़ का था। वो बात की बात है, पैसे की बात है। बात है एक चीज़ जो है वो तबाह होगी, बर्बाद होगी। किसी ने कहा जी कि दरिया के ऊपर आप जब बनाओगे, बाकी उसकी बात वैलिड है। अगर आप दरिया पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए इतना कुछ कर जाते हो कि आप पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो जाते हो, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान नहीं होता। लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं एक चीज़ आप लोगों से कह लो यार, एक दिल की बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मैंने कुछ ऐसा देखा, मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा गुजरा कि मुझे उसको देख के बड़ा दुख हुआ और मुझे ये फील हुआ कि यार हम किस किस्म के मुसलमान हैं। हम तो नाम के मुसलमान भी नहीं हैं। ये दाढ़ी का तो हम ख्याल ही नहीं करते। ये सिर्फ हमने ना, मैं आपको हकीकत बताऊं, 90% शायद मैं जिन लोगों से मिला हूं जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं ना, वही दाढ़ी का पास नहीं रख रहे। और शायद जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं है ना, वो शायद ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने दाढ़ी रखी, मेरा कमाल नहीं है। आप मेरी दाढ़ी से इंस्पायर मत हुए, आप मेरी बातों से इंस्पायर मत हुए। जो चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, जो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँ, वो देखें क्या वो अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है कि नहीं। अगर उनके मुताबिक कोई बात करूँ तो उस पर अमल करो, वरना मेरी बातों पर अमल मत करो। मैं नहीं कहता यार मेरी बातों पर अमल करो, मेरी दाढ़ी से प्लीज़ इंस्पायर मत हो, मेरी पर्सनैलिटी से इंस्पायर मत हो। लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए यार। मैंने कुछ लोगों ने मुझे बताया, काफ़ी मेरे क्लोज वंस हैं, कि ये जो टेंट होते हैं कितने का, 2000-3000 का टेंट मिलता है। सलाम जदगान के लोगों के लिए उन्होंने टेंट ख़रीदने थे। जितनी भी हस्ब ज़रूरत या हस्ब वैल, जितनी भी जिसने मदद की लोगों ने की, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो 2000 रुपये वाली चीज़ का जब पता चला ना कि 2000 रुपये वाला टेंट 15000 रुपये का हो गया यार, ओ हो 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 हो, मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये कोई नॉन मुस्लिम है जिसने इतनी प्राइस इंक्रीज कर दी? कहते नहीं उमर भाई, ये मुसलमान हैं और दाढ़ी वाले हैं, बुजुर्ग हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, आप 2000 रुपये की चीज़ का 15000 कर दिया आपने रेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरी कौम इकट्ठी हो रही है, लोगों ने सामान खरीदना है, लोग राशन खरीद रहे हैं, राशन की चीज़ें प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, प्लस्तर की चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, पानी नॉन ब्रांडेड पानी, नॉन ब्रांड नेस्ले और एक्वाफिना वाले नहीं, नॉन ब्रांडेड वाटर, पीने का साफ पानी का इंतज़ाम करने के लिए लोग खरीद रहे हैं, आपने उसकी प्राइसेस बढ़ा दी। एक गुना दो गुना नहीं, 4 से 5 गुना बढ़ा दी। टेंट 2000 से 15000, उस टेंट में ऐसा कुछ नहीं है 15000 वाला, इनफैक्ट उसमें ऐसा कुछ 2000 वाला भी नहीं है। लेकिन अगर लोग मना करें, अगर किसी ने 10000 रुपये कंट्रीब्यूट किया और वो ये सोच के कर रहा है यार मैं 5 टेंट ले दूंगा किसी को, वो 5 फैमिलियों के सरों पे एक टेम्प्रेरी तौर पे एक छत आ जाएगी। तो दुकानदार ने क्या किया, नहीं जी ये टेंट 2000 का नहीं है, 15000 का है। उसका तो बजट ही बेचारे का, मतलब जो वो नियत, अल्लाह से उसकी नियत का सवाब देगा। लेकिन जो उसने एक अपना एम बनाया था कि मैं 5 फैमिलियों की ऐसे मदद कर दूँगा, वो तो आपने निस्तो नबूद कर दिया। सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने इस पेट की लालच के लिए ये सारा पैसा प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं, ये गले का थोक बन जाएगा। कब्र में जब उतरना है तो मेरे भाइयों और बहनों, इसका जवाब देना पड़ेगा, 1 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। और आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब हमारी आवाम इकट्ठी हो गई है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, हुकूमत भी कर रही है, सारे मिल के कर रहे हैं। मैं इस वक्त किसी की एक की बात नहीं कर रहा, सारे मिल के कर रहे हैं, सारे उम्मती मिल के एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो दुकानदारों ने लूट मचा दी है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, कल पता कर गया हूँ 320 रुपये किलो टमाटर, पता कौन सा जो मैं शायद रूढ़ी में फेंक दूँगा, वो टमाटर 320 रुपये किलो और प्याज 260 रुपये किलो। और मैंने उससे पूछा, मियाँ जी माशाल्लाह ताड़ी चिट्टी दाढ़ी है, गल दे दसो जरा खेड़ा साढ़े लॉट च सैलाब आ गया, ताड़े घर डिग गए ने, की हो गया? वो पुत्र पिछों बंद हो गया चीज़ा। मैं कहते वो जितना स्टॉक किया है तुम 320 रुपये किलो सामने खरीदे थे, 40 रुपये या 50 रुपये किलो का सामने खरीदे हो, तुम 320 का खरीद दे रहे हो, तुम तो मजबूरी से फ़ायदा चुक रहे हो। वो यार की होएगा, 3 से 4 दिन आपकी दुकान बंद रहेगी क्योंकि सामान नहीं होगा, स्टॉक आपने सब किया होता है, हफ्ते का आपने सामान स्टॉक किया होता है, यार एक हफ़्ता तो बेचो ना। वो लोगों के दिलों से दवाई लोगे ना, अगर एक दुकानदार है वो 320 रुपये किलो बेच रहा है, एक दुकानदार रेगुलर वो 100 रुपये किलो बेच रहे, तो वो दवाएँ तो कमा रहे हैं ना यार, उसके हम उसके हक में दुआ करेंगे यार ना, इसका रिजक बढ़ाते तो अल्लाह ताला कैसे उसका रिजक नहीं बढ़ाएगा।
ये बात जब उन्होंने समझाई ना तो शायद उनको समझ आई, लेकिन उन्होंने प्राइसेस नीचे नहीं की। खैर हम ऐसे मुसलमान हैं यार, हम ऐसे मुसलमान हैं कि जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले रेडी रहते हैं। मुझे पता है क्या लगता है, अगर अभी डिक्लेयर हो जाए ना यार कल परसों क़यामत आ रही है, ओ हो 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 हो, हम मुसलमान पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम मुसल्ले, हम टोपियाँ, हम कफन, हम जैनमाज की प्राइसेस 1000 गुना बढ़ा देंगे, 1000 गुना बढ़ा देंगे। क्योंकि पता है ना कल परसों क़यामत है, मर तो जाना लेकिन हर एक ने ख़रीदना है यार ये सामान। तो हम क्या करेंगे, मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हम मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे और हम हर चीज़ की प्राइस बढ़ा देंगे। जब हम क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे ना, बल्कि उससे पहली कब्र में मुनकर नकीर के सवालों के जब जवाब दे रहे होंगे, तो कुछ की जब होगी ना कि किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, और अल्लाह ना करे वो आपकी मजबूरी आपकी इस रवैये की वजह से या बेसिक चीज़ उससे उस टाइम पर ना मिलने की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया, तो वो आपने उसका कत्ल किया। कत्ल किसी को गोली मार देने से, चाकू मार देने से कत्ल नहीं होता यार। जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आपको अल्लाह ने इतना दिया हो कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो, और आप उसकी ज़रूरत पूरी ना करो, तो वो भी कत्ल ही होता है। बस समझने वाली बात है। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, खुदा की कसम, मैं कसम नहीं खाता लेकिन आज कह रहा हूँ, खुदा की कसम हम अच्छे मुसलमान नहीं है यार। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस दाढ़ी, हट जाओ, हटा दो, लोगों की दाढ़ियों पे मत जाओ यार, मैं मेरी दाढ़ी पे मत जाओ यार, खुदा की वास्ता मेरी दाढ़ी पे मत जाओ। इस बात को समझो जो बात कह रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात है कि नहीं। लोगों को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, मैं पैसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास लात अदात पैदा है, पैसा है, मदद करने को ही नहीं आ गया है। हर कोई सोच रहा है यार मेरा तो अपना पूरा नहीं पट रहा, मैं किसी का क्या मदद करूँ। बस जब हर कोई ऐसा सोचता है ना, फिर किसी की मदद नहीं हो पाती। बस ये मत भूलिएगा कि कल को ये वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। किसी के आगे हाथ फैलाना ना, ये हाथ फैलाना सबसे मुश्किल काम है। वो हमारे भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं यार, हमारे उम्मती हैं, हम सब उम्मती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, इतनी प्राइसेस मत बढ़ाइए। दुकानदारों, आप सबसे पूरे मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान दुकानदारों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ यार। इस मुश्किल की घड़ी में तो आपको चाहिए वो चीज़ें फ्री में दो यार, अगर आप उसके 4 से 5 गुना प्राइसेस बढ़ा के पैसे चार्ज कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, इस तरह की बात कहते हुए लग रहा है मुझे शायद कल परसों क़यामत आएगी, जिस तरह के हमारे हालात हो गए ना, हम कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों का कत्ल कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। पैसा 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 पैसा, हमने क्या छाती पे रख के पैसा कब्र में बैठना है? मैं पैसा क्या अपने साथ कब्र में लेके जाऊंगा? घर गाड़ी बंगला पैसे क्या मैं कब्र में साथ दफनवाऊंगा? मैं कहूँगा एक भाई काम करे, जब मैं मर जाऊँगा साथ दफन कर देंगे। बच्चों को देखे जाऊँगा ना, फैमिली को देखे जाऊँगा ना, तो अपनी नेक कमाई में से अगर लोगों की मदद भी कर दूंगा तो वो बढ़ेगी यार। ज़कात हम नहीं देते, मदद हम नहीं करते, बस शर्म कर लें, बस और कुछ नहीं कहूँगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आप डिसाइड करें आपने क्या करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।